नमस्कार दोस्तों, एस्पिर स्टडी चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी चैनल पर मैं आपने मेरी कई वीडियो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के मैथ्स की वीडियो देखी होंगे। आज मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो ना देकर कुछ सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2018 में सीबीएसई बोर्ड के पेपर लीक आउट हो गए थे और उसके चलते काफ़ी बवाल भी हुआ था। लोगों के अंदर एक शंका बैठ गई थी कि सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड होते हुए भी सिक्योरिटी को ध्यान नहीं रख पा रहा है और उसके भी पेपर लीक आउट हो रहे हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने क्या क्या इस साल से नए रूल्स लागू किए हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो रूल है कि सीबीएसई बोर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लिए हैं जो सिक्योरिटी फीचर से बिल्कुल लेस हैं और उनका दावा है कि अब पेपर लीक होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहेगी या पहले की तुलना में ज़्यादा सेफ हैं। तो पहला जो आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर इंक्रिप्शन कोड के साथ आ रहा है। इंक्रिप्शन कोड का अर्थ हुआ कि जो भी अब क्वेश्चन पेपर आएंगे वो इनकरप्टेड होंगे। इनकरप्टेड का अर्थ है कि क्वेश्चन पेपर सेंटर पर केवल 30 मिनट पहले पहुंचेंगे और वो जो पेपर रहेगा वो हार्ड कॉपी में ना होकर सॉफ्ट कॉपी में होगा। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ हुआ कि उसे आप पढ़ना चाहें, मैं पढ़ना चाहूँ तो वो पढ़ नहीं सकते हैं, वो केवल मशीनी लैंग्वेज ही में रहती है और जो सॉफ्टवेयर होता है केवल वही उसको पढ़ सकता है। और ये पेपर जैसे कि मान लीजिए एग्जाम 10:30 पे स्टार्ट है तो 10 बजे सेंटर पर पहुंचेगा तो ये संभावना ख़त्म होगी कि 10 बजे तक पेपर लीक आउट होगा। इसके बाद 10 बजे जो सेंटर का सुपरिंटेंडेंट होता है या इन्विजिलेटर होते हैं वो इस पेपर को प्रिंट आउट लेने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसकी हेल्प से फिर प्रिंट आउट होगा और वो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक और सिक्योरिटी रखी गई है, जो प्रिंट आउट बाहर निकलेगा क्वेश्चन पेपर सभी सेंटर को एक यूनिक स्पेशल यूनिक कोड दिया जाएगा और उस वो कोड उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा वाटरमार्क की तरह। तो जब भी पेपर लीक होगा तो ये क्लियर पता चल जाएगा कि किस सेंटर से ये लीक हुआ है क्योंकि उस वाटरमार्क उसके ऊपर छपा हुआ रहेगा। और ये जो पूरा सिस्टम है इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ऊपर सॉफ्टवेयर भी होगा जो पूरे प्रोसेस को ट्रैक करता रहेगा कि किस सेंटर पर कितने बजे डाउनलोड किया गया है क्वेश्चन पेपर, किस में कितने बजे कोड डाला गया है, तो वो सभी ट्रैक होगा। तो इससे हम मान सकते हैं कि इस साल से जो सीबीएसई बोर्ड लागू कर रही है वो ज़्यादा सिक्योर रहेगी। अभी जो 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में कंपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे क्लास 10 के, उसमें इस सिस्टम को लागू किया गया था। दूसरा जो मेन चेंजेस करने जा रही है सीबीएसई बोर्ड वो आपकी लेट एंट्री को लेकर है और इस रूल को आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। लेट एंट्री जैसे 2018 तक क्या नियम थे कि अगर आपकी एग्जाम 10:30 पर स्टार्ट है तो स्पेशल केसेस में 11 बजे तक आपको एंट्री दे दिया जाता था और कुछ इमरजेंसी एंट्री 11:15 तक भी दिया जाता था, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से 45 मिनट तक के बाद तक आप एंट्री ले सकते थे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। लेकिन अब एचआरडी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि ये जो लेट एंट्री वाला सिस्टम है यही पेपर लीक और चीटिंग को बढ़ाता है, तो इस लेट एंट्री को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि अब 10:30 का मतलब हुआ 10:30 पर ही आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एंट्री के लिए। और हर स्टूडेंट की अब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपने रूट की जो ट्रैफिक है उनको समझ जाए या रूट पर आने वाली जो भी परेशानियाँ वो खुद समझ जाए और टाइम पर शेड्यूल टाइम पर वो पहुँचने की कोशिश करे सेंटर के ऊपर। तीसरा एक लेटेस्ट अपडेट आई है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है सीबीएसई बोर्ड के पास कि मैथ्स क्लास 10 का जो पेपर होगा वो
दो सेट में तैयार हो, एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कमजोर हैं और एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई में अच्छे हैं, यानी कि दो लेवल के क्वेश्चन पेपर बनाए जाएं और स्टूडेंट की ये ऑप्शन रहे कि वो चाहे किसी भी लेवल को चूज कर सकते हैं। पहला भी लेवल जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए या सामान्य विद्यार्थियों के लिए है उसे स्टैंडर्ड लेवल कहा गया, और जो अच्छे स्टूडेंट के लिए उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा पेपर वो हायर लेवल। लेकिन स्टूडेंट की बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको यही क्वेश्चन पेपर या इसी लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये उनका ऑप्शन रहेगा, उनकी चॉइस रहेगी कि किसी भी लेवल के पेपर को वो आप चूज कर सकते हैं। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनके सिलेबस को सेम रखा गया है, केवल हायर लेवल का जो पेपर होगा उसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन रहेंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि कुछ अभी ये केवल एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा बोर्ड के पास केवल प्रस्ताव भेजा गया है, इसके ऊपर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। पिछले दिनों कई स्कूलों के टीचर से ये रिप्रेजेंटेशन किया गया था कि सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर दो सेट में हो ताकि कमजोर विद्यार्थियों का मनोबल नहीं गिरे, उनका भी पढ़ाई में लगातार मन बना रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव भेजा गया है। जब अभी वर्तमान में इसके लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो मैथमेटिशियन एक्सपर्ट हैं, और उनके रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि 2019 में इसे लागू किया जाए या नहीं किया जाए, या आगे के वर्षों के लिए लागू किया जाए या सभी सब्जेक्ट्स में लागू किया जाए। तो ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन संभावनाएं पूरी बन रही है कि इस साल ये लागू किया जा सकता है। चौथा चेंजेज आपके रिजल्ट को लेकर है। 2018 तक रिजल्ट के नियम थे या 2018 में ही नियम थे वो कि थ्योरी और इंटरनल दोनों को मिला के पास होना पड़ता था। थ्योरी 80 मार्क्स का होता था जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता था, और 20 इंटरनल मार्क्स होते थे जो स्कूल के द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अटेंडेंस या होमवर्क के आधार पर दिए जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपके इंटरनल में 20 में से 80 मार्क्स आ गए तो थ्योरी 80 में से केवल 15 मार्क्स लाते थे तो आपके 33% हो जाते थे और आप पास हो जाते थे। लेकिन इस साल 2019 में ये दोनों को अलग अलग कर दिया गया है कि थ्योरी में आपको अलग पास होना है और इंटरनल में अलग पास होना है। जैसे बोर्ड के द्वारा जो 80 मार्क्स का थ्योरी लिया जाएगा उसका 33% आपको 27 मार्क्स लाना जरूरी है। इसी तरह से इंटरनल में जो 20 मार्क्स है उसका 33% 7 नंबर लाना जरूरी है और फिर आप पास माने जाएंगे। ये 2018 के रियल रूल को हटा दिया गया है और 2019 में ये एक नए रूल लागू कर दिए गए हैं। तो ये आपको CBSE बोर्ड की जो जानकारी दी गई नए रूल्स की, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको लगता है कि ये सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जानी चाहिए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।